Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम. आई होप यू आपकी वो करने टाइम मैनेजमेंट करने के लिए कि अपनी बायो पे ग्रिप अच्छी रखो विद इन ट्राई करो 15, 20 या 25 मिनट्स मैक्सिमम आपके जो MCQs हैं बायो के वो 88 पूरे हो जाएं. अब इससे एक तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा. कॉन्फिडेंस ये होगा कि मैंने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं. पीछे हमारे पास जो है मैक्सिमम 90 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चंस रह गए हैं, इतने क्वेश्चंस रह गए हैं मिनिमम, तो मैं वो कर लूँगी इंशाल्लाह. इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपका टाइम मैनेज हो जाएगा. दो चीज़ें. अच्छा, अब दूसरी बात पर आ जाते हैं कि हाउ यू शुड प्रिपेयर योर बायोलॉजी. नंबर वन थिंग इज़ कि इसमें डिफरेंट लेवल्स हैं. एक ईजीएस्ट चीज़ होती है बायो में लिखी हुई, ऐसी चीज़ें जिन्हें आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती और आप वैसे ही देख के कह देते हो हाँ ये तो मुझे आती है, बस ये मत बताओ. फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि हमारे पास जो सेल मोस्ट ऑफ द सेलुलर प्रोटीन्स इन द सेल आर, ठीक है, आगे लाइन, तो आप लोगों को पता है ये ग्लाइकोप्रोटीन ज़्यादा होती हैं, ठीक है, इसको रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है. तो इस तरह की कोई चीज़ें अगर मैं कहूँ कि जो CH है, ठीक है, या एल्डिहाइड का कोई फार्मूला है इस तरह का जो बायो में भी हो, या फिर हीमोग्लोबिन है उसका क्या स्ट्रक्चर है, या फिर अमाइनो एसिड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, ऐसे क्वेश्चन जो आपको रीड किए बगैर आते हो लाइंस आपके बुक में से, कि फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ कि हमारे पास जो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है वो हमारे पास कौन सा है, तो दैट विल बी द ग्लाइसिन. तो मोस्टली ये चीज़ें हमें पता होती हैं. अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास सेकंड लेवल आता है वो हमारे पास आता है मीडियम टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, जो इजी भी नहीं होते हैं, मुश्किल, बस आपको थोड़ा सा उन्हें जो है ट्रिकी कोई ट्रिक्स बनानी पड़ती हैं इस तरह की कि आपको वो चीज़ें याद रहें. दूसरे जो ये फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ आपको कि जो हमारे पास स्टमक के सेल्स थे, पेराइटल सेल्स थे, उनका आपसे डायरेक्ट कोई पूछे अनदर नेम ऑफ द पेराइटल सेल्स, दैट इज़ ऑक्सेंट्रिक सेल्स. हाउ आई रिमेंबर दैट इज़, मैंने कहा हमारे पास जो POH लव्स होता है, ठीक है, तो मैंने याद किया हुआ था P से पेराइटल सेल्स, O से ऑक्सेंट्रिक सेल्स, H से हाइड्रोजन सिक्रेशन. तो हमारे पास एक पूरा पेयर बन रहा है कि पेराइटल सेल्स का दूसरा नाम क्या है, ऑक्सेंट्रिक सेल्स, ऑक्सेंट्रिक सेल्स और पेराइटल सेल्स करते क्या है, हमारे पास HCl सिक्रेशन कहते हैं. अब इससे आपके 6 MCQs कवर होते हैं. कैसे? अगर मुझे पता है पेराइटल सेल्स का दूसरा नाम ऑक्सेंट्रिक सेल्स है, तो मुझे पता होगा कि जाइमोजेन का दूसरा नाम क्या होगा, चीफ सेल्स होगा फॉर श्योर, ठीक है. अगर मुझे पता है पेराइटल सेल्स HCl सिक्रीशन कर रहे हैं, तो जो दूसरे वाले जाइमोजन सेल्स हैं वो क्या सिक्रीट कर रहे होंगे, पेप्सिनोजन सिक्रीट कर रहे होंगे. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ द ट्रिक कि आपको सोचना ज़्यादा ना पड़े, आपको पता होता है चीज़ें, लेकिन आप वहाँ पे मिक्स कर देते हो अपने आप को श्योर करने के लिए कि नहीं मैंने ट्रिक बनाया POH, मैं कहूँगी हाँ फॉर श्योर ये यही था, ठीक है, कि यही चीज़ मैंने कही थी. ये सिर्फ अपने आप को फॉर श्योर करने के लिए आपके होते हैं. अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको याद ही नहीं होते, मतलब वो आप कहते हो कि भाई ये मुझे आते ही नहीं है, मैं इसे जितने बार वो कर लूँ भूल जाता है, ये हो जाता है, वो आ जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर कहते हैं, जैसा मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था कि आपका जो चैप्टर नंबर 4 है सेल वाला बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का, उसमें जो डेट्स लिखी हुई हैं कि लॉरेंस ऑकन ने 1805 में ये किया था, और हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन है, उसने क्या फाइंड किया था, न्यूक्लियस फाइंड किया था 1831 में, तो ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होती हैं याद करने के लिए. तो इसके लिए मैं क्या करती थी, जो चीज़ें मुझे इस तरह मुश्किल करती थी, मैं उसे एक रजिस्टर मेरा अलग से था उन पर जॉट डाउन कर लेती थी अलग से कि ये चीज़ मुझे मुश्किल लगती है. वो रजिस्टर था ही उन चीज़ों के लिए, उन पॉइंट्स के लिए जो मुझे मुश्किल लगते थे. अब उन पर आपने ये नहीं करना कि बड़ा बड़ा लिखना है, आपने कोशिश करनी है एक लाइन का बॉक्स होता है ना, उसके अंदर भी आप दो दो यानी वो लाइंस बना लो और आप उसके अंदर लिखो, यानी इतना छोटा छोटा लिखो कि जब आप रिवाइज करने लगो तो आपको ये ना लगे कि ये पेजेस बहुत ज़्यादा है, मैं कैसे रिवाइज करूँगा. आपने वो चीज़ें जॉट डाउन कर लेनी है, बस रात को सोते हुए एक दफ़ा उसे देख लेना है, याद भी नहीं करना, सिर्फ उसे देखना है. एट द एंड होगा इसका फ़ायदा ये कि वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगी, आपको नहीं भी याद रह रहा होगा, आपका दिमाग कहीं ना कहीं से उसे क्लिक करके बता देगा कि हाँ ये वाला पॉइंट था और इसका 1831 था, रॉबर्ट ब्राउन ये था, रॉबर्ट हुक वो था. ये ट्रिक होता है टफ़ चीज़ें याद करने का. अब आपने एक और मेथड इस्तेमाल करना है जिसमें हम कहते हैं कि एक्सक्लूडिंग मेथड. एक्सक्लूडिंग मेथड क्या होता है कि आपने इजी चीज़ों को एक दफ़ा रीड कर लिया, आपका टेस्ट हो गया, ठीक है,
तो आपने बाकी चीज़ जो इजी वाली चीज़ें हैं उन्हें हाईलाइट नहीं करना, अपनी आपकी जो बुक है ना आपने उस बुक पे हाईलाइटर इस्तेमाल करना है उन चीज़ों के लिए जो आपको वो लगती हैं, ट्रिकी लगती हैं, जैसा मैंने आपको दरमियान वाली चीज़ें बताई जो आपको मुश्किल भी नहीं लगती हैं। मुश्किल के लिए तो आप रजिस्टर बना रहे हो अलग से, आसान आप इग्नोर कर दो, और जो आपकी वो जो इग्नोर नहीं करना मतलब आपने उसे एज सच उतना इंपॉर्टेंट नहीं लेना, क्योंकि वो चीज़ें आपके दिमाग में पहले ही स्टोर हैं। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं ऑल एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनिज्म, तो आपको ये लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू नो दैट। अच्छा, ये चीज़ें हाईलाइट आपने वो चीज़ें करनी है जो आपको ट्रिकी ट्रिक्स बनाना चाहते हो जिन पे आप, और जो साइड पे लिखनी है पेजेस पे वो लिखनी है जो आपको मुश्किल लगती हैं, ये आपके तरीके हैं। अब दूसरा आ जाता है जो बच्चे एकेडमी ज्वाइन करते हैं, ठीक है, उनके लिए सजेशन ये है कि सिर्फ ये नहीं करना कि अगर सर जो है वो चैप्टर नंबर 4 पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा सुबह चैप्टर नंबर सिर्फ 4 है और मैं सारा दिन जो है घर आके बाकी टाइम वेस्ट कर रही हूँ। अगर सर आपको फर्स्ट ईयर स्टार्ट करवाते हैं तो स्पेशली फॉर द रिपीटर्स, क्योंकि उन्हें आदत होगी होती है बहुत ज़्यादा पढ़ने की, ठीक है, तो अगर आपको चैप्टर नंबर सपोज करो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करवाते हैं FSC प्री मेडिकल पार्ट 1 का, ठीक है, आप लोगों ने अंडरलाइन करनी है और जो टफ़ चीज़ें हैं उन्हें रजिस्टर्स पे लिखते जाना है बस। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि सर जब आपकी फ़र्स्ट ईयर करवा रहे होंगे आप सेकेंड ईयर खुद ब खुद कवर कर लोगे, आपका टाइम बच जाएगा ये करने के जब सर सेकेंड ईयर करवाएंगे तब आप दोबारा से फर्स्ट ईयर कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह करना है कि जब आपके दो दफ़ा रिवीजन हो जाएगी, जब बाकियों ने आपकी एक दफ़ा रिवीजन की होगी आपकी उस टाइम में दो दफ़ा रिवीजन हो जाएगी, और इससे आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि मैंने ये अपने ऊपर अप्लाई किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। सो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ गेन करने को मिला होगा, कोई ट्रिक कोई पॉइंट ऐसा मिला होगा जिससे आपको फ़ायदा होगा। सो दुआ दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।